अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले टाइम में हम जो वीडियो सीरीज़ एक लेके आ रहे हैं उसमें हम आपको क्या सिखाएंगे। तो इस कोर्स का नाम मैंने रखा है फाइनेंशियल मार्केट्स एनालिस्ट, तो बिकम अ प्रो ट्रेडर। अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको ये चीज़ें सीखना लाजमी है। इंशाल्लाह ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत जगह पे घूमा फिरा हूँ। मैंने बहुत जगह पे जो है ना कोशिश की है सीखने की, बड़े ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, बड़े लॉसेस किए हैं शुरू में। ठीक है, उसके बाद जाके जब एक्सपीरियंस आया, समझ आई बात की, तो फिर जाके पता चला कि यार मैं गलत वे में जा रहा था। असल में हमारे सीन यहाँ पे ये है कि हम जो है ना सारा जोर जो है ना वो अपना लगा देते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। आपने एक कहावत सुन रखी होगी कि फाइनेंशियल मार्केट्स में 95% लोग जो है ना वो फेल होते हैं और सिर्फ 5% लोग इसमें पैसा बनाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि हम गलती ये करते हैं कि हम अपना जो 100% टाइम है ना वो सिर्फ 10% सीखने में, यानी टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लगा देते हैं। बाकी का 90% जो ट्रेडिंग है हम उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करते। मेरे नज़दीक जो फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रेडिंग है ना उसमें सबसे पहले ये चीज़ जो है ना वो मेजर चीज़ जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ठीक है, उसको हमको सीखना चाहिए, उस पर हमको काम करना चाहिए। उसके बाद नंबर दो पे आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैं, अगर आप 100 आउट ऑफ बोलूँ मैं, तो इसको 90 100 आउट ऑफ 90 बोलूँगा। मतलब कि 90% मैं इसको जो है ना वो बोलूँगा कि ट्रेडिंग का ये 90% है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ये जो चीज़ें हैं सारी, ये सिर्फ 10% है। ठीक है, तो ये कोर्स इंशाल्लाह आपके लिए ऐसा होगा कि जो आपको बहुत मुश्किल से या शायद ना मिले यूट्यूब पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी शुरू में, लेकिन मुझे नहीं मिली कहीं से। फिर मैंने अपनी रिसर्च की, ग्रुप्स में गया, पेड ग्रुप्स में गया, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स में भी गया, काफ़ी अच्छे अच्छे जो मेंटोर्स हैं उनके पास भी गया। तो फिर बड़ी मुश्किल से, बड़ी हार्डली ये चीज़ मुझे मिली है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट जो अथेंटिक चीज़ें हैं इनके बारे में मुझे सही तफसील से पता चला। तो मैंने ये सोचा कि यार शुरू में मैंने जिस तरह लॉसेस किए, आपने हर बंदा जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में आता है वो बड़े ख्वाब लेके, बड़े सपने लेके आता है, तो वो बेचारा इन चीज़ों की से नावाकिफ़ होने की वजह से जो है ना अपना लॉस कर बैठता है और बाद में फिर जाके लोगों को बताता है कि यार ये तो सट्टा है, ये तो जुआ है, इस पर कुछ भी पैसे नहीं बनते, ये है वो है। असल में गलती उसकी अपनी होती है, वो खुद नहीं सीखता। और बिना सीखे अगर कोई काम आप करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आपके डूबने के, आपके लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आपको तैरना नहीं आता और अगर आप पानी में छलांग लगा देंगे तो आप मर जाएंगे उसमें। ठीक है, अगर आपको तैरना आता है, आप पानी में छलांग लगा भी देंगे तो कुछ चांसेस हैं कि आप बच जाएंगे। ठीक है, तो इस कोर्स के कंटेंट्स में सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो आपको तफसील से, डिटेल से समझाई जाएगी। नंबर दो पे रिस्क मैनेजमेंट है, ये भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा सब। उसके बाद नंबर तीन में फंडामेंटल एनालिसिस है। इसका मतलब ये है कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कॉइन में, किसी भी टोकन में, तो उसको हमने किस तरह एनालाइज करना है, किस तरह हमने जज करना है कि ये क्रेडिबल है या नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, और नंबर चार पे आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से मुराद ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स के चार्ट होते हैं उसके, उस पे जो है ना हम किस तरह उसको एनालाइज करते हैं, किस तरह से हम जो है ना वहाँ पे प्राइस एक्शन कैस कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर पाँच पे जो चीज़ है वो है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट मीन्स के लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं इस टाइम पे, लोग खरीद रहे हैं मार्केट में, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बारे में हम जो है डिटेल सेशन करेंगे। नंबर सिक्स पे है हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर सेवन पे मोस्ट एडवांस लेवल की चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर। वन ऑफ माई फेवरेट जो है ना ये है एक चीज़ क्रिप्टो और फाइनेंशियल मार्केट्स में, सबसे बेस्ट जो है ना टेक्निकल एनालिसिस में जो मुझे आज तक चीज़ मिली है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सबसे एडवांस लेवल है और इसको अगर समझ जाए बंदा तो आप बंदा जो है ना आराम से 60-70% विन रेशो के साथ ट्रेड्स कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडिंग थ्योरी।
रेंजेस एंड प्राइस एक्शन, ये मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ट्रेडिंग रेंजेस और प्राइस एक्शन के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग रेंजेस है, किस प्राइस से किस प्राइस तक हम ट्रेड कर सकते हैं और नेक्स्ट प्राइस एक्शन कैसे गेस कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे जो है ना हार्मोनिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से, ठीक है। ये एक चार्ट पैटर्न्स ही होते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। इससे जो है ना हमारी जो प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग रेंज है ना, उसको थोड़ा सहारा मिलता है और वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। और नंबर 10 पे लास्ट पे हम जो है ना वो स्कैल्पिंग और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का जो है ना इस कोर्स में जिक्र करेंगे, जिनको इस्तेमाल करते हुए रेगुलर बेसिस पे बंदा, छोटा कैपिटल भी हो बंदे के पास तो बंदा सॉरी रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कमा ले, ठीक है। ये कोर्स के बारे में इंट्रो था, ये इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ हर टॉपिक पे तफसील के साथ अकॉर्डिंग टू टॉपिक, ठीक है। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं कि जिनके लिए सिर्फ एक वीडियो काफ़ी होगी, और मोस्टली इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको 3 से 5 6 7 8 या 10 वीडियोस तक भी हमको में भी जाना पड़े। तो ये इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने टाइम को मैनेज करने की, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हुआ है, टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो है ना विद इन डेज, विद इन फ्यू डेज़ हम ये कोर्स शुरू कर देंगे, और बाकायदा रेगुलरली आपको डेली बेस पे कोशिश मैं करूँगा कि कोई एक वीडियो जो है ना वो बना के आपको मैं दे दिया करूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ या मार्केट की जो करंट सिचुएशन होती है उसके बारे में आपको कोई अपडेट देना चाहता हूँ, या कोई ऐसा सिग्नल मेरे माइंड में आ रहा होता है या मुझे मिल गया होता है जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, वो मैं शेयर करता हूँ, तो आपको एकदम से जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम ज़ाया किए बगैर उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पहले लेक्चर के साथ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।